अब बात करते हैं पप्पू यादव की। बाहुबली पप्पू यादव 10 साल बाद एक बार फिर से लोकसभा पहुंच गए हैं। इन्होंने अपनी पार्टी जनाधिकार पार्टी यानी जाप का कांग्रेस में विलय करा लिया है, लेकिन लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ा। अब पप्पू यादव विधानसभा में सीमांचल में अपनी ताकत पार्टियों को दिखाना चाहते हैं। चुनाव जीतने के बाद वे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को खुला चैलेंज दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के बाहर रहकर पप्पू यादव कांग्रेस को ताकतवर बनाने की कोशिश में है। फिलहाल पप्पू यादव का पूरा फोकस सीमांचल पर है। इस स्थिति में पप्पू यादव विधानसभा चुनाव में सीमांचल का बड़ा चेहरा बन सकते हैं। सूत्रों की माने तो वे अपने बेटे को भी पहली बार विधानसभा चुनाव में उतार सकते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान लालू यादव ने उनके बेटे को सुपौल सीट का ऑफर भी दिया था। अब एक नजर इनके सियासी सफर पर। 52 साल की उम्र में पप्पू यादव 6 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। 1990 में पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता था। उसके बाद 1991, 1996, 1999, 2004 और 2014, इसके बाद 2024 में लोकसभा पहुंच गए हैं। 2015 में अपनी पार्टी बनाई, लोकसभा चुनाव भी लड़े लेकिन हार गए। पप्पू यादव को कभी लालू का उत्तराधिकारी माना जाता था। अब एक नजर इनके क्राइम रिकॉर्ड पर। कोसी पर वर्चस्व के लिए आनंद मोहन और पप्पू यादव की अदावत की कहानी पूरा बिहार जानता है। सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोपी बनाया और गिरफ्तारी हुई। लंबे समय तक असम और तिहाड़ जेल में बंद रहे। 1999 में लेफ्ट नेता अजीत सरकार हत्याकांड में नाम शामिल होने के बाद इनके करियर पर ब्रेक लग गया। 2008 में इसी मामले में उम्र कैद की सजा हुई। 2013 में सबूत के अभाव में पटना हाईकोर्ट से बरी हो गए। अब बात करते हैं अशोक महतो की। अब अशोक महतो विधानसभा चुनाव में शेखपुरा, नवादा और नालंदा की 8 से 10 विधानसभा सीटों पर अपनी ताकत दिखा सकते हैं। नवादा में राजबल्लभ यादव की भरपाई लालू यादव इनकी मदद से कर सकते हैं। इसके अलावा अशोक महतो की मदद से नीतीश के कोर वोट बैंक लॉकुश में सिंधमारी की भी तैयारी है। अब एक नजर इनके सियासी सफर पर। 2020 लोकसभा चुनाव में मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स में शामिल हुए। इससे पहले वे पर्दे के पीछे से समर्थन करते थे। भतीजे प्रदीप महतो को 2 बार वरिष्लीगंज विधानसभा से चुनाव जीतवाया। अब एक नजर इनके क्राइम रिकॉर्ड पर। बिहार में जातीय हिंसा का एक बड़ा आरोपी माना जाता है। इनके नाम पर कई नरसंहार दर्ज हैं। सबसे भयावह है अपसड़ नरसंहार, जिसमें लगभग 11 लोगों की हत्या का आरोप लगा। नवादा जेल ब्रेक कांड, राजो सिंह हत्याकांड, अपहरण, मर्डर, लूट और फिरौती के कई केस इन पर दर्ज हैं। फिलहाल सभी मामलों से बरी हो चुके हैं। अब बात करते हैं हिना शहाब के। बाहुबली शहाबुद्दीन के निधन के बाद सिवान का पूरा राजनीतिक समीकरण बिगड़ गया है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा किसी पार्टी को हो रहा है तो वो है राजद। हिना शहाब राजद से 2 चुनाव हारने के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ी थी, इसमें वो कामयाब नहीं रही। अब लालू यादव एक बार फिर से शहाबुद्दीन की विरासत को अपने खेमे में करने में जुट गए हैं। सियासी गलियारों में चल रही चर्चाओं की माने तो हिना और लालू तेजस्वी के बीच एक राउंड की मीटिंग भी हो चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव में उनके बेटे ओसामा शाहब भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। इसके अलावे ये बाहुबली भी कर सकते हैं वापसी। इन सबके अलावा भी कई बाहुबली हैं जो पिछले कुछ सालों से चुनावी ग्राउंड से दूर हैं। वे विधानसभा चुनाव में वापसी कर सकते हैं। इनमें सबसे ऊपर बाहुबली सूरजभान सिंह का नाम शामिल है। लोजपा में बंटवारे के बाद लगभग वे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से दूर हैं।
अब इस बात की चर्चा तेज है कि वे भी अपने बेटे के साथ भाजपा का दामन थाम सकते हैं। इनके अलावा बाहुबली राजन तिवारी के भाई राजू तिवारी लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन फिलहाल किसी सदन के सदस्य नहीं है। इस बार विधानसभा चुनाव में वे भी अपनी किस्मत अजमा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बोले भारत।